हर आम इंसान के अंदर एक कलाकार होता है, हर आम इंसान के अंदर। लेकिन ये बात 90% लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके अंदर भी एक कलाकार है। हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया कुछ विचार लेके अपने। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर आम इंसान के अंदर एक कलाकार होता है, हर आम इंसान के अंदर। हर आम इंसान एक ही दिन में अपने घर में ना जाने कितने करेक्टरों को जीता है। जब वो अपने पिता से बात करता है, वो एक डरा सहमा सा किरदार निभाता है। जब वो पहली बार पिता को कहता है कि पिताजी, मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो पिताजी कहते हैं, ओए क्या एक्टर एक्टर लगा रखा तूने, चल कल से दुकान में बैठना या कोई सरकारी नौकरी ढूंढ ले। और वो वहां पर अभिनय करता है एक डरे सहमे बेटे की, एक आज्ञाकारी पुत्र की। हालांकि उसका मन नहीं कर रहा होता है, जवाब देना चाहता है अपने पिता को, लेकिन लिहाज के कारण नहीं दे पाता। वो अभिनय शुरू कर देता, जी पिताजी जैसे आप कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा, कल से दुकान में बैठ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब वही इंसान अपनी मां के सामने जाता है, तो एक जिद्दी करेक्टर को निभाता है। माँ, पिताजी को कह दो कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मुझे एक्टर बनना है तो बनना है, मैं मुंबई चला जाऊंगा, कोई भी रोक नहीं सकता मुझे। मां के सामने एक जिद्दी, जो इंसान थोड़ी देर पहले अपने पिता की हर बात सर झुका के कबूल कर रहा था, वही इंसान माँ के सामने जिद्दी हो जाता है। यानी पिता के सामने कुछ और करेक्टर और माँ के सामने कुछ और करेक्टर। इसी तरह जब वो अपने बड़े भाई से बात करता है, बड़ा भाई कहता है, सुन ये काम करके आ मेरा, ये कर मेरे दोस्त लगाए, मेरे लिए चाय बना ले, मेरे दोस्तों के लिए भी बना ले। तो वो थोड़ा अकड़ जाता है, भैया मैं बड़ा हो गया हूँ, आपके बराबर क्या हो गया हूँ, अब मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगा या आपकी कोई चीज लाके नहीं दूंगा, नौकर नहीं हूं मैं आपका, हाँ छोटा नहीं रहा मैं। अपने आप को अपने बड़े भाई के बराबर साबित करने की कोशिश करता है, एक नए करेक्टर को जीता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने छोटे भाई से बात करता है, तो वह दादागिरी करता है, शक करता है, एक डिटेक्टिव या पुलिस वाले का किरदार निभाता है, कहाँ गया था तुम्हें और ये किस दोस्तों के साथ घूमता रहता तुम, मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं है, सुधर जा, तेरी भी पिटाई करूंगा, तेरे दोस्तों की भी। तो वो एक ही दिन में अपने ही घर में तकरीबन चार करेक्टर तो ऐसे ही जी लेता है। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलता है, उसका कोई दोस्त मिल जाए जो उसे पसंद होगा, तो उसे बड़े अच्छे से मिलता, अरे हाय क्या हाल है बॉस, चला चाय पीते हैं। और उसी वक्त कोई दूसरा करेक्टर मिल जाए, उसका कोई दूसरा दोस्त मिल जाए जो उसे पसंद नहीं हो, तो अरे यार मैं अभी बिजी हूं, तो चल बाद में मिलना, उसको टाल देता है, पलक झपकते ही दूसरे करेक्टर में आ जाता। तो हुआ ना एक आम इंसान भी एक्टर, एक ही दिन में ना जाने कितने करेक्टर को जीता है। लेकिन ये बात उसकी कभी समझ में नहीं आती। 99% लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि उनके अंदर एक कलाकार है। जिनको समझ में आ जाती है, वो पहचान जाते हैं कि मेरे अंदर एक कलाकार है, तो वो अपने कलाकार को पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, फिल्म एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, पॉइट सीखते हैं, फिल्मी डांस सीखते हैं, फिल्मों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करते, एक्टिंग की बारीकियां सीखना शुरू कर देते, और वही लोग फिल्म एक्टर बन जाते। एक्टर तो सभी में है, लेकिन जो सही रास्ता अपना लेता है, चीजों को समझ जाता है, वो फिल्म एक्टर बन जाता है। बाकी लोग समझ ही नहीं पाते, टैलेंट होते भी वो फिल्म एक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि मेरे अंदर कितने किरदारे में क्या कर सकता हूं। और दोस्तों, इस नासमझी के कारण ना जाने हिंदुस्तान का कितना टैलेंट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, खत्म हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं जहाँ से आपको लगता है कि आप एक्टर हो, तो आप अपनी एक्टिंग को और पॉलिश करिए, एक्टिंग की बारीकियाँ सीखना शुरू कर दीजिए, अपने अंदर और टैलेंट भरिए, फोकस करिए एक्टिंग की तरफ और फिल्म एक्टर बन जाइए। दोस्तों, ये मेरे कुछ विचार थे, और जहां तक मैं समझता हूं ये विचार गलत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद फिल्म लाइन में आने से पहले ना जाने कितने करेक्टरों को जिया है।
हर पल जिया है। मैं इन बारीकियों को समझ गया, मैं समझ गया कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे फिल्म लाइन में ला सकती है। तो मैंने उन चीज़ों की बारीकियों को सीखना शुरू किया, तालीम हासिल करी, जो जो सही लगा मुझे मैंने सब सीखा। और आप तो जानते हैं उसके बाद मैं कितनी सीरियलों का डायरेक्टर हूँ, कितनी फिल्में मैं बना चुका हूँ। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर टैलेंट है, तो आप उसे पॉलिश करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए। सीखने के लिए हमारे कलर्स एक्टिंग एकेडमी में आइए। मुंबई में हमारा एक्टिंग स्कूल है जिसका नाम है कलर्स एक्टिंग एकेडमी। आप ज्वाइन करिए, हम आपको एक्टिंग की बारीकियाँ सिखाएंगे, हम आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों मेरे एक्टिंग स्कूल कलर्स एक्टिंग एकेडमी का नंबर है 9899226936। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9899226936। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में, अगली बार मिलेंगे तो फिर बहुत सारी बातें करेंगे, और तब तक के लिए बाय। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। देखते रहिए सनी कपूर एंटरटेनमेंट।